हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है गुड्डी के सुपर किचन में। तो आज गुड्डी के सुपर किचन में बनने जा रही है मावे की मिठाई। तो चले शुरू करते हैं मावे की मिठाई बनाना। तो मैंने यहाँ आधा किलो मावा लिया है, तो मावा मैंने मार्केट से ख़रीदा है। तो चले शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को गर्म कर लिया है और मावे को पहले से फेंट के रखा था मैंने यहाँ। तो काफ़ी दूध है इसमें, तो मैं कढ़ाई में डाल के और मावे को भूनूंगी यहाँ, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा दूध हो सूख जाए। तो हिला लेती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं गर्म होने के बाद में ये काफी पतला हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ गाढ़ा करूंगी, तो थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा ये मावा, इसका जितना भी दूध है वो सूख जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मावे की मिठाई बनाने का। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में सूख गया है इसका पूरा एक्स्ट्रा दूध था वो, और मावा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो यहाँ चीनी का भी पानी सूख चुका है। थोड़ी देर और भून लेती हूँ। मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच घी। फिर से मिक्स कर लेती हूँ। इलायची पाउडर, और मैंने यहाँ थाली को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस पर डाल लेती हूँ यहाँ। तो मिठाई बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है मिठाई। तो मैंने सेट कर लिया है मिठाई को। अब इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेती हूँ। तो मिठाई ठंडी हो चुकी है यहाँ। अब मैं जो भी इसकी आइड साइड है उसको कट कर लेती हूँ, ताकि जो पीस निकल के बाहर आए एकदम मार्केट जैसा लगे। तो अपनी पसंद के हिसाब से कट कर सकते हो, जैसे भी पीस आपको पसंद है। तो ये मिठाई जो है बहुत ही झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है मिठाई। अब मैं इस पे यहाँ लगा लेती हूँ बादाम। ताकि जो ये मिठाई है एकदम मार्केट जैसी लगे, तो खाने में भी एकदम मार्केट जैसी लगेगी ये मिठाई। तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही है मिठाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।